जब सांसों में तेरी सांसें घुली तो फिर सुलगने लगे एहसास मेरे मुझसे कहने लगे हाँ बाहों में तेरी आके जहां दो यूं से मटने लगे सैलाब जैसे कोई बहने लगे खोया हूँ मैं आगोश में तू भी कहाँ अब होश में मखमली रात की होना सुबह चूम ले अनफास भीगे क्यों है मेरे हो बेसबर भीगे बदन ले रहे रात भर अंगड़ाइयां बहुत अच्छा लगा स्वीट था आई लव द इमोशन ओह आई लव इट आई लव इट आई लव इट दैट फीलिंग यू गेट व्हेन यू सी टू अ कपल एंड दे लव ईच अदर रोमांस रोमांस बहुत अच्छा था आई लव इट रोजा यू आर सच एन अमेजिंग परफॉर्मर सनम आई लव यू फ्रॉम डे वन Thank you, man. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था थैंक यू सो मच बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी और उसके साथ मैंने उनके टर्न्स गिरे हैं आई थिंक 70 हुए हैं टोटल डांस के साथ साथ उस बीट को काउंट करना फिर उसके बाद फिर साथ आना ये कलाकारों के काम है और वो आपने स्टेज पे बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया है थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस बहुत ही अमेजिंग था थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग थैंक यू सो मच थैंक यू आज मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगी जिस तरह से आपने एक्सप्रेस किया आज काफी हद तक बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है रोजा गुड परफॉर्मेंस आई विल स्टिल एक्सपेक्ट मच बेटर ऑलराइट जजेस स्कोर्स प्लीज थैंक यू Thank you. 27. यार क्या कमाल का बेहतरीन एक्सोटिक परफॉर्मेंस दिया है यार यार फुल ऑफ एक्सोटिक मूव्स यार जबरदस्त सच में मतलब मजा आ गया यार दोनों ने स्टेज पे ना यार आग लगा दी यार रोजा और सनम एक बार जोरदार ताली हो जाए यार
रोजा का यहाँ पे साथ देने के लिए रोजा के कुछ बहुत ही करीबी लोग आए हैं. मैं चाहूंगा प्लीज आप लोग मंच पे आए. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. प्लीज आइए. पहले तो सब जजेस लोगों का नमस्कार. नमस्ते. 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 आप इतना उसको सराहा, इतना प्यार दिया और इतना गाइडेंस भी दी, इसीलिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ. और टॉप फाइव में पहुंच गई, मेरा ख्वाहिश पूरा हो गया. अभी ऊपर वाला के हाथ में है सब कुछ. मेरा नाम लता दलवी है जी. मैं यहीं पे हेयर ड्रेसर का काम करती हूँ. अरे वाह. इसी मंच पे. ओके. वही देख रही थी. यस वेरी ब्रांच लुक्स फॉर दैट्स राइट. तो मैं 6 साल से जानती हूँ रोजा को. हाँ. बहुत ही अच्छी बच्ची है, हमेशा सबको इंकरेज करती है. इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करके भी हमारे साथ खाना खाने बैठती है, कभी भी गिव अप नहीं करती है. वाह. हमें बहुत अच्छा सलाह भी देती है. जैसे लॉकडाउन में मैंने फ़ोन किया था इसको, तो उसने इतनी अच्छी बातें बोली थी कि दीदी गिव अप नहीं करना है, काम शुरू होगा, अच्छे से हो. और इतना काम करके भी आज आपने कहा कि ये आगे बढ़ेगी तो बहुत अच्छा लग रहा है. उसको ये मिलना ही चाहिए. और मैं और एक बात कहूंगी रोजा, थैंक यू हमें अपना परिवार का हिस्सा बनाया, क्योंकि हम हमेशा बैक स्टेज से परफॉर्मेंस देखते हैं हर एक आर्टिस्ट का जी. लेकिन आज रोजा की वजह से हम फ्रंट स्टेज पे परफॉर्मेंस देख रहे हैं. क्या बात है यार. हाउ इज इट. ये रोजा, गॉड ब्लेस यू ऑल. हाउ इज इट. हाउ स्वीट. क्या बात है जी. आपका क्या नाम है और आप कैसे जानते हैं? मैं जावेद नाम है मेरा जी. हम लोग कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में, ड्रेस डिपार्टमेंट में काम करते हैं. ओके. और रोजा जी को 3 साल से पहचानते हैं हम लोग. काफ़ी अच्छे, कभी हम लोग के यहाँ ट्रैकिंग कराने आते, कभी सुई चुभ भी जाता है तो हम लोग कुछ भूलते नहीं है. बहुत अच्छे लगते हैं और शायद इंशाल्लाह जीत जाए. टॉप फाइव में तो आ गए. मेरा नाम रमेश खन्ना है. और आप कैसे जानते हैं? मैं स्पोर्ट दादा हूँ. अरे वाह. दादा के तो सब सेट से जुड़े हुए हैं. सब सेट से जुड़े हुए हैं. यही इनका बिरादरी है. यहाँ पर आपका मोहल्ला ये सेट ही है. सबके यहाँ से मोहल्ले आए हैं. रोजा आपके लिए ये यही मोहल्ला है. हम आपका मोहल्ला. देखो सबसे पुरानी मौसी यहाँ बैठी है, सबसे जवान छोरा वहाँ बैठा है, सबसे खूबसूरत लड़का यहाँ बैठी है और सबसे मेहनती बच्चा वहाँ पे बैठा है. क्या बात है. तो हमेशा बोलते हैं स्टेज मेरा घर है. हाँ तो ये आपका मोहल्ला हुआ ना फिर. हाँ.
लेकिन यार ये बात माननी पड़ेगी, मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, ये चेहरे देख लीजिए। हम लोग क्या है ना, हम लोग सूट पहन के, अच्छे जूते पहन के, बाल वाल बना के खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें जो इतना अच्छा बनाता है वो यही लोग हैं यार। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। हैट्स ऑफ। एक बार जोरदार तालियां, आज इन्होंने आपका साथ दिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।